नागरिकता कानून का विरोध करने वाले उपद्रवियों ने किस कदर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी नंबर एक, माता मंदिर रोड पर मौजूद भीड़ पुलिस पर पथराव करते नजर आ रही है। उपद्रवी छुप छुप कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। सीसीटीवी नंबर दो, माता मंदिर रोड पर उपद्रवियों की भारी भीड़ पुलिस फोर्स पर पथराव कर रही है। देखिए कैसे हिंसक पत्थरबाज कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर पुलिस फोर्स पर हमला कर रहे हैं। रिहायशी लोगों के घर के गमलों को तोड़ रहे हैं। सीसीटीवी नंबर तीन, ये सीसीटीवी भी एनएफसी माता मंदिर रोड का है, जहां कुछ उपद्रवी माता मंदिर के सामने एक बाइक से पेट्रोल निकाल रहे हैं। तभी कुछ और उपद्रवियों ने पेट्रोल निकालने वाले शख्स की मदद भी की। इसके बाद उपद्रवी पेट्रोल को बोतल में लेकर डीटीसी की बस में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी नंबर चार, ये सीसीटीवी भी माता मंदिर रोड एनएफसी का है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक बाइक के पास कुछ उपद्रवी पहुंचते हैं और फिर एक उपद्रवी बाइक में आग लगा देता है। देखते ही देखते बाइक आग की चपेट में आ जाती है और फिर जलती बाइक को घसीटते हुए डीटीसी बस की तरफ ले जाता नजर आ रहा है। इन चारों सीसीटीवी में कैद उपद्रवी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी सीसीटीवी की मदद से तलाश की जा रही है। वहीं जामिया इलाके में छात्रों और लोगों का नागरिकता कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला। जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, यहाँ देखे तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर भारी संख्या में लोग आज जुड़े हैं। संविधान बचाने की लड़ाई है और ये जारी रहेगी जब तक वो सरकार सीए वापस नहीं ले लेती। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी नागरिकता चाहिए। जो हम हैं यहाँ के, वो हम बने रहे, सस्टेन रहे, पीस रहे। इन बच्चों का या तो आज पिकनिक का दिन है या स्कूल के लिए कल के एग्जाम की तैयारी करने का दिन है। आपने इन्हें सड़क पे ला के बैठा दिया, किस लिए? वो बच्चा एक जो गोद में अपनी माँ के दूध पे जो निर्भर है, उसका कसूर क्या है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है? जामिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जारी प्रदर्शन में डीयू के छात्र भी शामिल थे। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीते शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मचाने वालों की पहचान का सिलसिला जारी है। लोनी में कई जगह सड़क किनारे बैनर लगाकर बवाल मचाने वाले लोगों की जनता से पहचान करने की अपील की जा रही है।